नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आपके सामने दोबारा से आया हूँ एक नया वीडियो लेकर के। ये वीडियो दरअसल पासपोर्ट रिक्वेस्ट और पीसीसी रिक्वेस्ट को लेके होने वाला है और इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। यानी कि पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि कनाडा में रहते हुए आप अपना न्यू पासपोर्ट कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा जिसमें कि आप कनाडा में रहते हुए अपना इंडियन पुलिस वेरिफिकेशन कैसे करा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कनाडा में रहते हुए आप अपना इंडियन पासपोर्ट को कैसे रिन्यू करा सकते हैं। सो दोस्तों, रिन्यूअल कराने के लिए कुछ एलिजिबल टर्म्स होती है जिसमें कि या तो आपका पासपोर्ट डैमेज हो चुका है या फिर लॉस्ट हो चुका है, या आने वाले एक साल के अंदर में आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, या फिर आपका पासपोर्ट पिछले 3 सालों के अंदर एक्सपायर हो चुका है, या फिर आपका कुछ अपीयरेंस में चेंज आया है। मान लीजिए आपने अपना लुक वगैरह चेंज किया है, तो वो कुछ एस्पेक्ट्स में आप अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना चाहते हैं तो आप रिन्यू करा सकते हैं। सो मेरे जो दो दोस्तों ने एप्लीकेशन डाली थी उसमें एक का जो पासपोर्ट है वो आने वाले एक साल में एक्सपायर हो रहा था, और दूसरा जो भाई है उसको अपना पासपोर्ट चेंज करना था बिकॉज उसका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा चेंज हुआ था। पहले वो बीएड वगैरह रखता था और उसने क्लीन शेव वगैरह किया, तो उस केस में उसको नया पासपोर्ट बनवाना था। सो उन लोगों ने कैसे ऑब्टेन किया ये पासपोर्ट, कहाँ अप्लाई किया, उसी पूरे प्रोसेस को यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे। अच्छा दोस्तों, जब आप कनाडा में रह करके पासपोर्ट अप्लाई करने की बात करते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन डायरेक्टली एम्बेसी को ना जाकर के एक थर्ड पार्टी एजेंसी है जिसका नाम है BLS इंटरनेशनल, जो कि ऑथराइज्ड है बाय इंडियन एम्बेसी कि ये सब एप्लीकेशन प्रोसेस करेगी और उसके बाद में वो भेजती है हमारी इंडियन कॉन्सुलेट को। सो ये जो BLS इंटरनेशनल है ये दो तरह से एप्लीकेशन प्रोसेस करती है, जिसमें पहला हो गया आपका पोस्टल, दूसरा हो गया वॉक इन। तो काफ़ी ईजी रहता है, ईजी इन द सेंस कि स्मूथ प्रोसेसिंग बोल सकता हूँ, बट अगर पोस्टल की बात करें, अब वो कब एप्लीकेबल होता है, जबकि मैं जहाँ रहता हूँ मान लीजिए माउंटन है, तो यहाँ पर BLS इंटरनेशनल का कोई ऑफिस नहीं है, तो नियरेस्ट ऑफिस है हैलीफैक्स में। इसी तरह से आप कोई ऐसे विलेज में रहते हैं वहाँ पर जो उनका BLS इंटरनेशनल का ऑफिस यदि दूर है, तो आप पोस्टल सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। और पोस्टल सर्विसेज में जो एक्सपीरियंस है लोगों का वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा है। जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, कोई बोलता है हमारी एप्लीकेशन 2 बार रिटर्न कर दी, कोई बोलता है 1 बार, कोई बोलता है 3 बार, यानी कि जो एक्सपीरियंस है वो स्मूथ नहीं है। सो मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत करके एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी कि आखिर किन किन कारणों से आपकी एप्लीकेशन रिटर्न आई। मेरे फ्रेंड्स के केस में भी उनकी एप्लीकेशन भी एक फ्रेंड की जो है वो 1 बार रिटर्न आई थी, दूसरे फ्रेंड की जो है वो स्मूथली प्रोसेस हो गई। तो यही सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये गैदर करके एक समरी फॉर्म में आपके सामने रखूँगा, ताकि जो एरर्स आपको चेक करनी है कि किन किन पॉसिबल कारणों से आपकी एप्लीकेशन रिटर्न आ सकती है, वो अगर आप चेक कर लेंगे तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो पोस्टल फॉर्म में इजीली एक्सेप्ट हो जाएगी और आपको उनका जो है वॉक इन करे बिना, यानी कि उनके ऑफिस जाए बिना ही आपका PCC हो या फिर चाहे पासपोर्ट एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो जाएगा। सो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसेस बताऊँगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो बताऊंगा, साथ ही साथ कौन कौन सी मिस्टेक्स जो लोग कर चुके हैं जिनके कारण से उनकी एप्लीकेशन है जो पोस्टल फॉर्म में रिटर्न आई थी, और आप कैसे उन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए आपकी एप्लीकेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक ही बार में स्मूथली प्रोसेस करा सकते हैं और आप अपना जो PCC है या फिर चाहे पासपोर्ट रिन्यूअल है वो करवा सके। सो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारे डेस्कटॉप पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं BLS इंटरनेशनल जो है जिसके थ्रू हमें हमारा एप्लीकेशन को प्रोसेस कराना होता है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर फर्स्ट स्टेप हमारी एप्लीकेशन में क्या आता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो पार्ट होता है ये आपको क्लियरली दिखा रहा है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरनी होती है एम्बेसी के पोर्टल पर जाके, जिसका मैं अभी आपको एक डेमो दिखाऊंगा आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में हम चलते हैं हमारी एम्बेसी की वेबसाइट पर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं embassy.passportindia.gov.in, तो ये हमारी वेबसाइट है। जैसे ही हम इस पर जाते हैं, हमको यहाँ पर जो कंट्री से हम अप्लाई कर रहे हैं वो कंट्री सेलेक्ट करनी होगी, तो हमारे केस में कनाडा है तो मैं यहाँ पे कनाडा सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब आप देख सकते हैं मुझे जो है वो कनाडा का जो पोर्टल है पोर्टल नंबर 3 वहाँ पर इन्होंने रिडायरेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर सिंपली आपको सबसे पहले रजिस्टर पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर अपने क्रेडेंशियल्स बना के आपको लॉगिन क्रिएट करना होगा। अब जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपको अपनी कॉन्सुलेट सेलेक्ट करनी होगी, तो हमारे केस में कनाडा है तो हम कनाडा सेलेक्ट करेंगे। अब कनाडा में भी आपको पता है कि जैसे हम स्टार्टिंग में देख रहे थे कि 3 मेन सेंटर से ओटावा, टोरंटो और वैनकूवर, तो आपको कौन सा सेंटर जो है आपका स्टेट कौन से सेंटर के अंडर में आता है। तो जैसे मेरा न्यू ब्रंसविक है तो वो टोरंटो में आता है। उसके बाद यहाँ पर आपको गिवन नेम, सरनेम और ये सारी डिटेल्स भरनी है और अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना एक लॉगिन बनाने की कोशिश की है और अब यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने रजिस्टर पर क्लिक किया, यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो पोर्टल है वो क्रिएट कर दिया गया है और आपको कंफर्मेशन मेल भेज दिया गया है।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने सारे लिंक्स हैं कि आपको ऑर्डिनरी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, पुलिस क्लियरेंस है, इमरजेंसी सर्टिफिकेट है, तो जो भी आपका एप्लीकेबल ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मेरे केस में मैं क्लिक करूँगा ऑर्डिनरी पासपोर्ट, उसके बाद में आपका फ्रेश पासपोर्ट है या री इशू है तो री इशू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है, जिसमें पहला चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर। अब इसके अंदर में मेन चीज़ आती है कि आपका अपीयरेंस अगर चेंज हुआ है या कुछ ऐसा कुछ जैसे कि आइडेंटिफिकेशन मार्क है या उसको किसी चीज़ में चेंजेस है तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वैलिडिटी एक्सपायर्ड विद इन 3 ईयर ऑब्लिक ड्यू टू एक्सपायर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपका 3 साल के अंदर एक्सपायर हुआ है तो इस कैटेगरी में आता है। ड्यू टू एक्सपायर में हम लोगों ने जो ट्राई किया था उसमें हमको एक प्रॉब्लम ये आया था कि आपका जो पासपोर्ट है उसकी एक्सपायरी अगर आज मान लीजिए 15 अक्टूबर 2024 है तो ये 15 अक्टूबर 2025 से पहले पहले अगर एक्सपायर हो रहा होगा तो ये लेगा, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर अगर एक्सपायर हो रहा होगा तो ही ये इस कैटेगरी में एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि अगर आपका पासपोर्ट आज की तारीख में 1 साल से ज़्यादा वैलिड है तो फिर वो वैलिडिटी एक्सपायर्ड वाली कैटेगरी में सेलेक्ट नहीं लेता है, आगे जाके वो आपको एरर दिखाएगा। फिर आता है एग्जॉस्टन ऑफ पेजेस, तो ये डैमेज पासपोर्ट लॉस्ट या वैलिडिटी एक्सपायर मोर देन 3 ईयर्स अगो, तो ये अलग अलग कैटेगरीज है जिसके हिसाब से आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। फिर नॉर्मल हो गया, तत्काल हो गया या कितने पेज का चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर आप जैसे मैं एक सैंपल ले लेता हूँ, चेंज इन एड्रेस, अब चेंज इन सॉरी पर्सनल पर्टिकुलर, तो इसमें आपका अपीयरेंस है, सिग्नेचर है, नाम है, जो भी चेंजेस हुआ वो चेंज कर लीजिए। उसके बाद आपका कौन सी कैटेगरी में है, कितने पेजेस का चाहिए और फिर चलिए नेक्स्ट। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम और डिटेल भरना होगा, मान लीजिए राजेश कुमार, उसके बाद आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, जो भी एप्लीकेबल है वो। उसके बाद आपको कोई दूसरे नाम से जाना जाता है तो नो, एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स ओके। उसके बाद में आपका जो नाम चेंज किया है कभी तो यस या नो, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिए। उसके बाद इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, तो अगर आउट ऑफ इंडिया है तो यस, अदरवाइज़ नो। अब नहीं है तो आपको यहाँ पे दिखाना होगा कहाँ पर है आपका। उसके बाद यदि आप मैरिड है तो मैरिड, अदरवाइज अनमैरिड, जो भी आपकी स्टेटस है वो फिल कर दीजिए। उसके बाद में सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसके केस में मोस्टली हम लोग बाय बर्थ होते हैं, बाकी जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है वो भर दीजिए। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप एम्प्लॉयमेंट टाइप अभी आप क्या जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस है या प्राइवेट एम्प्लॉई है, तो वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो भर लीजिए। उसके बाद में इज आइदर ऑफ योर पेरेंट ऑब्लिक स्पॉस इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो आपको यस, नो तो नो कर देना है, तो इस हिसाब से हो जाएगा। उसके बाद में इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन एसीआर कैटेगरी, तो ये आपको यस करना है। नॉन एसीआर कैटेगरी का मतलब आप 10th पास है तो नॉन एसीआर कैटेगरी में आते हैं, तो इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। वैसे अगर आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट है तो आपको पता ही होगा कि आप नॉन एसीआर कैटेगरी में है या नहीं है, सो एप्लीकेबल है वो तो उस हिसाब से कर लीजिए। उसके बाद विजिबल डिस्टिंक्शन मार्क ओके, तो यहाँ पर मोल ऑन मिडिल फिंगर। उसके बाद में यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, ये मैंने एक रैंडम नंबर डाला है। उसके बाद में आप यहाँ पर यस नो कर सकते हैं, आपका जो एग्जैक्ट नंबर है वही आधार कार्ड में नंबर डालिएगा। उसके बाद में आपको इनको परमिशन देनी है कि आपके आधार कार्ड से आपका बायोमेट्रिक और डिटेल्स लेने के लिए परमिशन दे रहे हैं या नहीं, तो आपको हाँ करना है, यस करना है, फिर नेक्स्ट पर चले जाइए। उसके बाद में आपको फादर का नाम, तो यहाँ पे फादर और मदर का मैंने एक डेमो सैंपल नेम भर दिया है, अगर आपके फादर मदर नहीं होकर कोई गार्जियन है तो उनका नाम, आपकी स्पॉस का नाम, चूंकि हमने आगे मैरिड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे स्पॉस का नाम आया है। उसके बाद में यहाँ पर आप अपना जो एग्जैक्ट नाम है वाइफ का वो सरनेम डाल दीजिए, फिर नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट इज़ नॉट मैंडेटरी एट द इंडियन एड्रेस। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारा इंडिया में अगर हमारा एड्रेस पे कोई है नहीं तो उसके इसमें क्या पासपोर्ट इशू होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे सिंपली बोल रहा है कि आपका प्रेजेंस इंडिया में होना ज़रूरी नहीं है पासपोर्ट इशू करने के लिए। उसके बाद में अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बात आती है, यहाँ पर आपको अपना देखिए एक चीज़ यहाँ पर बता रहा है, इज़ योर पासपोर्ट प्रिंटेबल एड्रेस इज़ आउट ऑफ इंडिया। अब ये क्या होता है दोस्तों, कुछ कंट्रीज़ में हमारी एम्बेसी अलाउ करती है कि आप वहाँ का एड्रेस, मतलब जो आउट ऑफ इंडिया का जो एड्रेस है वो एक्सेप्ट करती है, मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज़ में ऐसा एक्सेप्ट नहीं करती है। तो जैसे कनाडा के केस में आपको इंडियन एड्रेस ही डालना होगा, आप कैनेडियन एड्रेस के ऊपर अपना पासपोर्ट नहीं ले सकते। कहने का मतलब ऐसा है कि आपके पासपोर्ट पर कैनेडियन एड्रेस प्रिंट होकर नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपको इंडियन एड्रेस डाल देना है। तो जो भी आपका हाउस नंबर, सिटी, उसके बाद स्टेट, उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, पिन कोड आता है जो भी, तो आप पिन कोड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके हिसाब से फिर आपको डिटेल डालनी है, मोबाइल नंबर,
ईमेल आईडी और ये सब चीज़ें आपको फिल कर देनी है। और उसके बाद जो पुलिस स्टेशन लगता है आपका नियर बाय पुलिस स्टेशन वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब अदर एड्रेस, इस अदर एड्रेस इज़ आउट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो अदर एड्रेस है आपका, ये अदर एड्रेस जो है आपका करंट एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे आप अभी रहते हैं। तो ये कनाडा का एड्रेस होगा, तो अगर आप कनाडा में हैं तो आपको यस करना है और उसके बाद में कैनेडियन एड्रेस आपको डालना है। तो जैसे कि हम लोग रहते हैं 16 वेलिसन CRT और सॉरी ये तो जिप कोड है, तो ये मैंने जिप कोड डाल दिया और आगे आपको एड्रेस डाल देना है। उसके बाद रीजन, तो ये आप अपने हिसाब से कनाडा में है तो कनाडा, उसके बाद मोबाइल नंबर और ये पूरा डिटेल डालना है। ये आपका करंट एड्रेस है जहाँ पे कनाडा में आप रह रहे हैं, वो सेक्शन आएगा, ऊपर आपका इंडियन एड्रेस आ गया, ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। उसके बाद सिंपल सी चीज़ें हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, प्रीवियस पासपोर्ट की डिटेल्स और ये सब डाल करके फिर आपको रिव्यू करके सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको एक ARN नंबर जनरेट होगा और आपके पास में एक PDF फॉर्म जनरेट होकर आ जाएगा। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है, वो है इस एड्रेस को लेकर के। सो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कई लोगों का फॉर्म BLS से रिटर्न आता है, तो उसका एक मेजर रीज़न यहाँ पे है। क्या होता है, मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल दूँ, मैं अभी जहाँ पे रह रहा हूँ उसका यूनिट नंबर मान लीजिए है 16 और जो मेरा बिल्डिंग नंबर है वो है मान लीजिए 214 CTS और उसके बाद में जिप कोड हो गया E1TST1। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि ये हमने डिटेल्स ले ली। तो अब जब यहाँ पे आप डिटेल्स फिल करेंगे तो आपको डिटेल्स जो फिल करनी है वो इस तरह से करनी है कि आपका जो एग्जैक्ट डिटेल जो एज़ पर आपके जो एड्रेस प्रूफ आप डालेंगे उसके साथ में रिप्लिकेट होना चाहिए और किसी तरह का कन्फ्यूजन बिल्डिंग नंबर और आपका अपार्टमेंट नंबर में नहीं आना चाहिए। ये दोस्तों थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो एड्रेस लाइन फर्स्ट है, एड्रेस लाइन फर्स्ट में आप अपना कोई भी एक आईडी कार्ड उठा लीजिए। नॉर्मली होता क्या है, हमारे जो पास में जो लीज़ हम लोग जो लेके चलते हैं या जो भी आईडी प्रूफ लेते हैं उसमें पहले बिल्डिंग का नंबर होता है। तो मान लीजिए मेरे केस में कोई लीज़ पकड़ता हूँ तो उसमें होगा ऐसे 214 CTS कॉमा अपार्टमेंट 16। इस तरीके से आप इसको प्रॉपरली लिखिए। होता क्या है, हम लोग जब फिल करते हैं तो हम ऐसे फिल कर लेते हैं 16/214 CTS, इस तरह से लोग बाग फिल करते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये लोग जो BLS वाले हैं वो आपको रिटर्न कर देते हैं बिकॉज़ ये कोई क्लियर एड्रेस उनके एज़ पर उनके स्पेसिफिकेशन नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 214 CTS इज़ बिल्डिंग नंबर, अपार्टमेंट नंबर 16 इज़ आवर अपार्टमेंट नंबर। इस तरह से आपको प्रॉपर डिटेल्स फिल करनी है तभी आपकी एप्लीकेशन वहाँ पर प्रॉपरली एक्सेप्ट की जाती है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, अक्सर यहाँ पर पिन कोड के अंदर में लोग बाग गड़बड़ करते हैं। होता क्या है, जब भी आप जिप कोड डालते हैं, सॉरी पिन कोड इंडिया में होता है, यहाँ पे हम जिप कोड बोलते हैं, लोग क्या करते हैं गूगल पे चेक करते हैं जिप कोड्स। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, गूगल के जिप कोड्स अक्सर इनकरेक्ट पाए गए हैं, स्पेशली अगर मैं माउंटन की बात करूं तो माउंटन पे अगर मैं मेरे एड्रेस पे भी देखूं तो मेरे एड्रेस का जिप कोड गूगल पे अलग है जबकि एज पर जो लीज डॉक्यूमेंट पे जो लिखा हुआ है वो अलग है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका पास में डॉक्यूमेंट है, चाहे वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आपका लीज डॉक्यूमेंट हो, उसी में जो एड्रेस लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही पिन कोड आपको यहाँ पर लिखना है। ऐसा नहीं कि आप गूगल पे खोज करके आपका पिन कोड डाल दें, अक्सर लोग बाग ये गलती करते हैं, इसकी वजह से भी उनकी एप्लीकेशन रिटर्न आती है। सो यहाँ पर एप्लीकेशन रिटर्न आने के दो मेजर कारण मैंने आपको बता दिए। तीसरा चीज़, जब भी आप अपना एड्रेस इस सेक्शन में भरते हैं इंडिया वाला, मेक श्योर दी एवरी सिंगल लाइन इज़ रिप्लीकेटिंग दी एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ योर पासपोर्ट, यानी कि आपके पासपोर्ट में जो भी कुछ लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही आप यहाँ पर भरें, उससे एक भी लाइन आप इधर उधर ना करें, तो उसमें आपका बहुत ईजी हो जाता है पासपोर्ट में प्रोसेसिंग। हाँ, इन केस अगर आपका अभी करंट एड्रेस चेंज हो रहा है, आपका पहले कुछ एड्रेस था और अभी आपका एड्रेस जो है वो चेंज हो रहा है, तो जब भी आप करंट अपडेटेड एड्रेस डालेंगे तो आपके पास में जो वैलिड प्रूफ है, फिर चाहे आप आधार कार्ड दे रहे हो एज ए प्रूफ या जो भी आईडी आप एज ए प्रूफ दे रहे हो, मेक श्योर उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है इट शुड एग्जैक्टली रिप्लीकेट हियर। अगर उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी हुआ ना तो ये लोग आपकी एप्लीकेशन को रिटर्न कर देते हैं। याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेलिंग मिस्टेक। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक भी करी है ना तो आपकी एप्लीकेशन रिटर्न आ जाती है। जिप कोड का ये कह रहा जो कनाडा में स्पेसिफिकली लोग गूगल से डालते हैं खोज के, वहाँ पे रिटर्न आती है। यहाँ पे जो सिटी नंबर और बिल्डिंग नंबर डालने के केस में लोग बाग गलतियाँ करते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन रिटर्न आती है। एक स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो वहाँ पे रिटर्न आती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप ये एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपका एक फॉर्म जनरेट होकर आता है, उस फॉर्म में आपको फ़ोटो लगाना होता है एंड फोटो शुड बी 2x2 साइज़।
तो ये जो गड़बड़ हम लोग अक्सर करते हैं कि 2x2 का साइज ना होकर के हम 55x45 mm जो हमारा इंडियन है वो डाल देते हैं फोटो फ्रेम, जो हम इंडिया से खिंचा के आते हैं या हमारे पास पुराने फोटो पड़े हों 45x55 के, हमारे पास में इंडिया में फोटो गिराए हुए होते हैं वो नहीं चलते हैं। यहाँ पे आपको 2x2 का फोटो ही एक्सेप्ट करते हैं ये लोग, और वो भी वाइट बैकग्राउंड में। अब उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों, आप चाहे तो स्टेपल्स में जाइए, आप चाहे तो वॉलमार्ट में जाइए, आप चाहे तो ऑनलाइन कई सारी साइट है। स्टेपल्स और वॉलमार्ट थोड़ा कॉस्टली है, स्टेपल का जहाँ तक मुझे पता है वो $27-28 में आपको सिर्फ दो फोटोज़ देते हैं, वॉलमार्ट शायद $16-17 में दो फोटो देता है। वहीं पर ऑनलाइन काफ़ी सारी साइटें हैं जो आपको 3-4 दिन में आपके घर पर डिलीवर करती है, वो $2-3 लेती है आपको 5-6 फोटो के लिए। वो डिपेंड करेगा आपके पास कितना टाइम है और आप कितना किस तरह से इसको प्रोसेस कर सकते हैं। सो ये दोस्तों हमने स्टेप वन अब तक कवर किया है, जहाँ पे हम एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं। सो ये हमने फेज़ वन समझ लिया, अब आता है स्टेप सेकंड। सो इस स्टेप सेकंड में दोस्तों आपको अपनी एप्लीकेशन BLS को सबमिट करनी होती है। अब ये जो एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है इसके अंदर में दो ऑप्शन है आपके पास, एक होता है वॉक इन और दूसरा होता है बाई पोस्ट। अब ध्यान रखिए कनाडा में BLS के मेजर सिटीज़ में तो खुद के ऑफिसेज हैं। अब मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये BLS की साइट है, और जैसे ही आप BLS की साइट खोलते हैं तो सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था कि आपके स्टेट के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन डिवाइडेड है। मेरा न्यू ब्रंसविक है तो मैं टोरंटो में जाता हूँ, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबमिट योर एप्लीकेशन लिंक पर जाएंगे तो यहाँ पर बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी सिटी में इनके ऑफिसेज हैं, ब्रम्पटन में है, कैलगरी में है, एडमिंटन में है, हेलीफैक्स में है, तो इन किसी भी सिटी में आप अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने जा सकते हैं। अब अगर इन मेजर सिटी के अलावा आप कोई दूसरी सिटी में है या फिर आपके पास में फिजिबिलिटी नहीं है कि आप इस ऑफिस में जा सकें, विजिट कर सकें, अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, तो उस केस में दूसरा अल्टरनेटिव जो है वो होता है बाई पोस्ट। सो ये पोस्टल वाला जो ऑप्शन है वो मैक्सिमम लोग प्रीफर करते हैं। अब इस पोस्टल में क्या होता है दोस्तों पहले क्या होता था, ये जो सबमिट योर एप्लीकेशन वाले में ही एक बुक पोस्टल का एक टैब आया करता था, अभी इन लोगों ने डिसेबल कर दिया है, पता नहीं उसका रीज़न मुझे समझ में नहीं आता। तो उसी के अल्टरनेटिव में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपका एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉल करना होगा। कॉल करने के बाद में आप एग्जीक्यूटिव से बोल सकते हो कि मुझे जो है मेरे डॉक्यूमेंट्स पिकअप करवाने हैं। तो जब आप डॉक्यूमेंट पिकअप की रिक्वेस्ट डालोगे तो मेरे एक्सपीरियंस में मॉन्गटन से जो हमने रिसेंटली शेड्यूल किया है उसमें $63 to and $63 from, यानी कि दोनों साइड का, माउंटन से ब्रम्पटन भेजने का और दोबारा जब ब्रम्पटन से माउंटन की तरफ हमारे पास रिटर्न पार्सल आएगा, इन दोनों के चार्जेस ये लोग आपसे ले लेते हैं, और उसके अगेंस्ट में आपको शिपिंग लेबल देते हैं, और जो कि प्योर लेटर कुरियर का ये लोग जनरेट करके देते हैं। सो जैसे ही आप उनको कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद में वो आपको एक पेमेंट लिंक भेजते हैं जिस पर आप पेमेंट कर देंगे, तो उसके बाद आपको एक ऐसा एक मेल आएगा जिसमें यहाँ पर पिकअप शिपिंग लेबल का लिंक होगा, जिसे डाउनलोड करने के बाद में आपने जो डेट पे शेड्यूल किया है अपना पिकअप, वो लेबल और अपना जो पैकेज आपने बनाया है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको उस लेबल के अगेंस्ट में कुरियर वाले को हैंड ओवर कर देने हैं। तो ये हो गया हमारा पिकअप वाला पार्ट। पिकअप में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दो साइड का कुरियर चार्जेस आपको देना होता है। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपसे कुछ मिस्टेक हुई और आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, आपने कोई करेक्शन किया, कोई मिस्टेक किया है डाटा एंट्री वगैरह में, तो ये जो फॉरवर्ड कुरियर चार्ज है ये तो आप ऑलरेडी आपको लग चुका है, आपने अपने डॉक्यूमेंट भेजे, BLS वालों ने चेक किया और उन्होंने कुछ एरर मार्क किया कि भाई इसमें कुछ गलती मुझे दिखी है, तो वो आपको वापस से आपके डॉक्यूमेंट भेज देंगे और उस समय आपका जो सेकंड चार्जेस है वो कंज्यूम हो जाएगा। दोबारा से जब आप डॉक्यूमेंट भेजने जाएंगे दोबारा से आपको ये दोनों ही कुरियर के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा हर्डल होता है जिसमें अक्सर लोग बाग फंस जाते हैं। उसके बाद में आता है आपका डॉक्यूमेंट्स क्या कौन से प्रिपेयर करने हैं, हमें हमारी फाइल कैसे बनानी। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ यहाँ पर न्यू बुकलेट रिन्यूअल वाले टैब पर, और यहाँ पर अगर आप डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे एक चेकलिस्ट है, आप चेकलिस्ट खोल सकते हैं। चेकलिस्ट पे ही आपको देखिए सबसे पहले दिखाता है जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट वाला पार्ट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर सबसे पहला टैब है चेकलिस्ट, यानी कि ये जो चेकलिस्ट हमने इस वक्त खोली हुई है यही चेकलिस्ट सबसे पहले हमको प्रिंट निकालनी होगी और इसे फिल करना होगा, और जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हम अटैच कर लेते हैं उन पर टिक लगा के आपको यहाँ पर एंड में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे नीचे, सो यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। तो ये आपको समझना होगा कि सिग्नेचर करेंगे, और सिग्नेचर कब करना है, जबकि आप सारे एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स इस फाइल में, मतलब इस एप्लीकेशन में अटैच करके उनको वेरीफाई करके इस चेकलिस्ट को फिल कर देंगे। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है चेकलिस्ट, जो कि ऑलरेडी यही डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि हमने आपको बताया कि कैसे फिल करना है,
वो फिल करने के बाद में आपका एक ARN नंबर जनरेट होकर एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद ये तीसरी जो है वो है आपका पासपोर्ट का ओरिजिनल एंड कॉपी। अब चूंकि आप पासपोर्ट डुप्लीकेट इशू कराने के लिए बोल रहे हैं तो ऐसे में आपको अपना पुराना पासपोर्ट भेजना होता है ओरिजिनल में, तो अपना जो ओरिजिनल पासपोर्ट है उसके साथ में उसकी फ्रंट और लास्ट पेज की फोटोकॉपी भी आपको अटैच करनी होगी। उसके बाद में आता है एनेक्सर ई। अब देखिए दोस्तों, एनेक्सर ई आखिर क्या है? यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे एनेक्सर ई तो ये एक PDF खुल के आया है। तो इस एनेक्सर ई में आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देना होता है, आई यहाँ पे आपका खुद का नाम, सो अपने मम्मी पापा का या स्पाउस का नाम, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा यहाँ पर, और ये एक बात में आपको यहाँ पर द नेम ऑफ माई पेरेंट्स एंड स्पाउस आर एज फॉलोज, तो यहाँ पे आपको वापस वही डिटेलें देनी है सबकी। तो यहाँ पर बेसिकली ये आप डिस्क्लोज करते हो कि मैं, मेरी आइडेंटिटी ये है, और उसके बाद में अपने मदर फादर और स्पाउस का नाम जो है यहाँ पर डिस्क्लोज करते हो। उसके बाद में यहाँ पर लिखना होगा कि मैं कंटिन्यूस रेजिडेंट हूँ इस एड्रेस का, यानी कि आप इंडिया का जो एड्रेस है यहाँ पर आप इंडिया का एड्रेस भरेंगे, और आप इनको ये डिक्लेरेशन देते हो स्पेसिमेन का कि भाई मैं इस एड्रेस पर इंडिया में जो मेरा एड्रेस है वो आज की तारीख में भी वैलिड है और यही वाला एड्रेस है। बस ये एक डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे देना होता है। उसके बाद साइन, प्लेस और डेट, ये आपको इसमें अटैच करना होता है। फिर दोबारा से आ जाते हैं हम लास्ट वाले पार्ट में, प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, कैनेडियन एड्रेस। अब इसके अंदर में आपके पास में या तो आप ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी दे दीजिए, या फिर आप अपना लीज़ का जो डॉक्यूमेंट है, लीज़ है, उसकी फोटोकॉपी दे सकते हैं, या फिर आपके पास में बैंक का स्टेटमेंट है तो वो दे सकते हैं। वैसे मैं प्रीफर करूँगा ड्राइविंग लाइसेंस या फिर लीज़ की कॉपी आप यहाँ पे अटैच कर दें। उसके बाद आता है स्टेटस इज़ कैनेडा। स्टेटस इन कैनेडा के अंदर में आप अपना वर्क परमिट की कॉपी हुई, या स्टूडेंट परमिट हुआ, या फिर आपका PR कार्ड हुआ, इसमें से जो भी रिलेवेंट डाटा आपके पास है वो भेज सकते हैं। फिर आता है फ़ी। सो यहाँ पर आप फीस का देख सकते हैं कि ऑर्डिनरी जो रीइशू पासपोर्ट है 36 पेजेस वाला, उसका $105.7 है। अगर माइनर है तो उसके केस में 72.7, और अगर आपको बड़ी बुक चाहिए सो उस केस में फिर आपको उसका अकॉर्डिंगली चार्जेस पे करने होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए 60 पेजेस का $139.7 है। सो इस तरह से आप अपना जो एप्लीकेशन फ़ी एलिजिबल है उसका आपको पेमेंट करना होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप वॉक इन सेलेक्ट करते हैं, यानी कि बाय इन पर्सन अगर आप जाके देना चाहते हैं, तो उस केस में आपका डेबिट कार्ड और कैश दोनों एक्सेप्ट होता है। बट पोस्टल एप्लीकेशन के केस में आपको मनी ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट ही देना पड़ता है, और वो जो है आपका वो आपको BLS इंटरनेशनल सर्विस कैनेडा INC के नाम पे बनाना होता है। सो ये पर्टिकुलर इनके फेवर में बना के आपको उसको अटैच करना होता है। सो ये एक थोड़ा सा टास्क हो जाता है पोस्टल के अंदर में, वो स्कॉशिया बैंक है या कोई भी RBC बैंक में जाके आप इजीली बना सकते हैं, कोई ऐसे बड़ा टास्क है नहीं। बट हाँ, इस तरह से आप अपना पेमेंट का प्रोसेस भी कंप्लीट करवा सकते हैं। अब उसके बाद आता है दो फोटोग्राफ्स। अब इसमें एक छोटा सा कन्फ्यूजन क्या आता है कि जब हमारे पास में ARN का एक फॉर्म जनरेट होकर आता है तो वहाँ पर एक फ़ोटो लगाने का ऑलरेडी कॉलम होता है जिसमें हम 2x2 का एक फ़ोटो लगाते हैं, तो उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि उसके बाद क्या हमें एडिशनली दो फोटोज़ और देने हैं? तो ये मैंने खुद ने कॉल करके कंफर्म किया था BLS से। और यह ध्यान रखिए कि एक फ़ोटो तो आप ऑलरेडी फॉर्म में चिपका देंगे, और उसके अलावा एडिशनली आपको एक फ़ोटो उस एप्लीकेशन में साथ में डाल के देना होगा। सो यह टोटली जो है आपके दो फोटो हो गए, एक आप अलग से लूज़ फोटो डालेंगे और एक अपनी जो एप्लीकेशन में चिपकाएंगे वो, तो यही हो गए दो फोटोज़। उसके बाद में अगर आप नीचे देखेंगे, कुछ एडिशनल जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, ये डिपेंड ऑन द कैटेगरी विच यू सेलेक्टेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द फॉर्म। जैसे कि आपने बोला कि स्पोज नेम के अंदर उनका नाम डिलीट करना है, या स्पोज के नेम में कुछ चेंजेस है, या फिर आपकी जो पर्सनल अपीयरेंस में कुछ चेंजेस हुआ है तो उसका एक डिक्लेरेशन, या फिर आपके पेरेंट्स के नेम में कुछ चेंजेस है तो उसका डिक्लेरेशन, ये हैंड रिटर्न एक डिक्लेरेशन होगा। आपको एक कवर लेटर बनाना होगा जिसमें इसको स्पेसिफाई करना होगा कि आप क्या चेंजेस कराना चाहते हैं, क्यों कराना चाहते हैं, और वो एक कवर लेटर इस एप्लीकेशन के साथ में आपको अटैच करना होगा। जैसे ही आप रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लेते हैं, यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे जो आपकी फॉर्म भरा है उसका ARN नंबर, BLS सेंटर टोरंटो है या जो भी आपका ज्यूरिसडिक्शन है उस सेंटर का नाम, और आपको डेट, और उसके बाद में यहाँ पर साइन करके ये फॉर्म आपको चेकलिस्ट अटैच कर देनी है। तो ये हो गया सारे डॉक्यूमेंटों का पार्ट। सो दोस्तों, यहाँ पर हमने हमारा डॉक्यूमेंटेशन वाला फेज भी क्लियर कर दिया। अब उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही BLS आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा, वो भेजेगा काउंसलेट को, काउंसलेट उसको इंडिया भेजती है जहाँ से आपका पुलिस वेरिफिकेशन इनिशिएट होता है। पुलिस वेरिफिकेशन आने के बाद में आपको पासपोर्ट इशू होता है, और जैसे ही आपका पासपोर्ट इशू हो जाएगा, BLS से आपको इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई आपका पासपोर्ट आ चुका है। अगर आपने वॉक इन में कलेक्शन का ऑप्शन डाला है तो आप BLS के सेंटर जाके कलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने पोस्टल ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो उस केस में आपके घर पर वो बाई पोस्ट आ जाता है।
अब ये जो पूरा प्रोसेस है दोस्तों, ये रिसेंट एक्सपीरियंस के हिसाब से 60-70 डेज़ का टाइम फ्रेम ले लेता है। ये अभी का रिसेंट एक्सपीरियंस है, ये कोई स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम नहीं है। हो सकता है आपके टाइम में ये बहुत जल्दी शॉर्ट आउट हो जाए, आपको हो सकता है 30 दिन में भी मिल जाए, बट जो रिसेंट एक्सपीरियंस है मेरे फ्रेंड्स का, वो ऐसा बता रहे थे किसी एक का 50 डेज में भी आया है, बट ऑन एन एवरेज 60-70 डेज़ का टाइम फ्रेम लग जाता है। ओके, अब ये जो पूरा प्रोसेस है दोस्तों, इसके अंदर लगभग आपका 40-60 डेज़ का टाइम लग जाता है। ये एक एवरेज टाइम है जो रिसेंटली लोगों ने फेस किया है बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। हो सकता है आपका पासपोर्ट जल्दी आ जाए, बट अगर 40-60 डे का भी टाइम ले रहा है तो आप इसे एक एवरेज टाइम फ्रेम समझ सकते हैं ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ दैट एप्लीकेशन। यहाँ पर हमने एप्लीकेशन रिटर्न आने के कारणों को भी डिस्कस कर लिया, जिसमें मोस्टली होता है आपका जिप कोड, दूसरा होता है एड्रेस, जिसमें आप कनाडा का एड्रेस किस तरह से प्रेजेंट करते हो वहाँ पे, वो भी एक कंसर्न है। तीसरा हो गया आपका फ़ोटो, अगर आपका प्रॉपर नहीं है तो वो भी एक इशू बन जाएगा। ये तीन मेजर इश्यूज होते हैं। उसके बाद में अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया प्रॉपरली, तो वो तो एक जनरल मिस्टेक है, वो तो आपको कवर अप करनी ही होगी, आपको इंश्योर करना होगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट भेजते हैं। सो दोस्तों, ये आपने देखा कि किस तरह से आप अपना पासपोर्ट रिन्यूअल की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, किन किन कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। तो ये सब जानने के बाद आई फील कि आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और आप जो है अपनी एप्लीकेशन की जर्नी को बहुत स्मूथ बना लें। और यदि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलती है, आपका पासपोर्ट आसानी से आ जाता है, तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अब यदि आप पुलिस वेरिफिकेशन वाला वीडियो को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पर PCC का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या टाइमलाइन रहती है, और किस तरह से आप अपना इंडियन पुलिस वेरिफिकेशन कैनेडा में लेते हुए रह सकते हैं, ये पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ रहेगा। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को देखा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अपना टाइम देने के लिए। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।